हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर पे। गाइज, आज हम लोग क्लास टेंथ साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए और अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह साइंस का पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको साइंस से संबंधित सभी प्रश्नों को बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत जरूरी है। तो आप जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, इसके बाद इसको देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आपको याद भी होगा कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, 25 cm, या आप इसको 10 इंच कह सकते हैं। समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लगभग होता है। अगला, मानव नेत्र जिस भाग को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य के आँख का सबसे पिछला हिस्सा रेटिना कहलाता है, और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है, दृष्टिपटल, ऑप्शन डी सही है, दृष्टिपटल कहा जाता है, ठीक है, रेटिना को, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, दृष्टिपटल। अगला है, निकट दृष्टिदोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेंस लगाइएगा, ठीक है? तो देखिए, निकट दृष्टिदोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। आप याद कर लीजिए, निकट दोष होता है एक होता है दूर दृष्टिदोष, ठीक है? आपके दो लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक है आपके पास उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो देखिए, यह दो अक्षर का शब्द है दूर, और उत्तल क्या है, तीन अक्षर का शब्द है। तो दो अक्षर वाले में तीन अक्षर लागू करते हैं और तीन अक्षर वाले में देख लीजिए दो अक्षर वाले शब्द को लागू करते हैं, ठीक। जैसे निकट के लिए अवतल, यानी बड़का शब्द के लिए बड़ा और छोटे शब्द के लिए छोटा, इस तरह आप ट्रिकली याद कर लीजिए। तो निकट दृष्टिदोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टिदोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि मानव नेत्र में जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटना को बनाया जाता है, रेटना को ही कहा जाता है दृष्टि पटल। तो ऑप्शन ई आपका सही हो गया, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस का उपयोग होता है? ठीक है, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल तथा उत्तल दोनों, या उत्तल लेंस, यानी कौन सा आपका आंसर होगा? तो याद रहे, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वही संयुक्त होता है तो उसमें भी दो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच के सिले, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रिज्म। तो आपका आंसर हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का व्यवहार किया जाता है, ऐसा त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होता है ABC, जैसे प्रकाश पड़ता है तो सात रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सातों रंगों पर कोई एक पर्दा प्राप्त करें तो एक रंगीन पट्टी मिलती है, इसी रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, तो प्रिज्म होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, यानी किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक रेले नामक वैज्ञानिक थे, आप याद कर लीजिए, रेले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, जिसमें उन्होंने देखा कि नीला किरण का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है,
यानी आपका आंसर होगा बी, यानी बी होगा, यानी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो याद रहे नेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्षमाभी पेशियों के द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन डी सही है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को हम पक्षमाभी पेशियों के द्वारा बदल सकते हैं, ऑप्शन डी सही है आपका। अगला, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो वह लाल रंग है, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ऑप्शन कौन होगा सही आपका, बी सही होगा। अगला, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, यानी जिस गुण के कारण आंख अपने फोकस दूरी को स्वतः बदलते रहता है उस गुण को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा उसे सामंजन क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है, सामंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है, विभिन्न दूरियों पर किस वस्तु को प्रतिबिंब के फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है, तो किसके द्वारा, यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा या सिलड़ी मांसपेशियों के द्वारा आंख के फोकस दूरी को बदला जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटना के पीछे बनता है, यानी किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटना के पीछे बनता है, तो आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आगे बन जाता है, वहीं दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाता है और तो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो आपका आंसर कौन होगा, दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला, दृष्टि दोष वाली आंख, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है, तो अब याद रहे जो दोष होता है वही दिखाई देता है, यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, तो यहां दूर दृष्टि को होता है तो दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य को किस प्रकार के लेंस के चश्मे पहनने चाहिए, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य को किस प्रकार के लेंस के चश्मे पहनने चाहिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, वहां निकट दृष्टि दोष होता तो अवतल लगाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख को साफ साफ नहीं दिखाई देता है, एंड दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ कहां का नहीं दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष हो गया है, इसका मतलब दूर का वस्तु से दिखाई दे रहा है और निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो कहां के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो निकट के वस्तु को, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला, जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, जरा दूरदर्शिता में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा कि जरा दृष्टि दोष अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है जब लेंस का सामान्य क्षमता घट जाता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है, अतः ऐसा लेंस लगाया जाता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बाईफोकल लेंस, इसे कहा जाएगा बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला, निम्न से सबसे कम विचलन किस वर्ग में होता है, कम विचलन, तो देखिए जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है और तो लाल का विचलन सबसे कम होगा, अब बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और तो इसका विचलन ज़्यादा होगा, तो यहाँ आपका कौन सा आंसर होगा, लाल, रेड। नेक्स्ट, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है, ठीक है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आकाश का रंग कैसे दिखेगा, तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देगा, आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो निलंबन को कहा जाए कोलाइडी, उसे कहा जाए कोलाइडी, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो ऑप्शन सी सही है, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई, यानी भी बराबर हम लिखते हैं ना आई आर, तो यहाँ इसी के साथ ऐसे क्या होता है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, आर बराबर भी बाई आई, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलम्ब प्रति सेकंड कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कितना कहेंगे? तो एक जूल बटा एक कूलम्ब को एक वोल्ट कहा जाता है, एक जूल बटा एक कूलम्ब को एक वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो आपको याद है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि यह संपूर्ण धारा को माप सके। ठीक है, तो श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला, यदि ए और बी दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल प्रतिरोध क्या हो? यहाँ दिया पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम इसका मतलब समानांतर क्रम, तो समतुल प्रतिरोध घट जाएगा, ए और बी दोनों से कम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को पांच बराबर भागों में काट कर परस्पर में संयोजित करते हैं तो संयोजन का तुल प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आप समझिए, प्रतिरोध आर है, इसको पांच जगह काट दिए। ठीक है, तो पांच जगह काटेंगे तो आर पाँच जगह बटेगा ना, तो आर बटा पाँच इतना इतना क्या होगा? पाँचों में होगा, इतना इतना प्रतिरोध होगा पाँचों में होगा। ठीक है, इतना ही फिर आर बटा पाँच होगा, आर बटा पाँच जगह होगा। अब इनको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एक बटा आर पी मान लीजिए, वन बटा आर वन, तो आर वन का क्या होगा? आर बटा पाँच होगा, ऐसे ही पाँच जगह होगा प्लस आर बटा पाँच प्लस आर बटा पाँच। ठीक है, तो पाँच होगा तो हम पाँच से गुना ही कर देते तो ज़्यादा बेटर है, तो क्या होगा? पच्चीस बटा हो जाएगा आर, पच्चीस बटा आर, तो आर पी का जब मान निकालिएगा तो आर एक बटा क्या हो जाएगा? पच्चीस हो जाएगा, आर बटा पच्चीस हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? आर बटा आर डैश का मान निकालना है, तो आर तो जुड़ता रहेगा, इसका मान क्या होगा? आर बटा आ गया पच्चीस, आर से ऐड कर गया तो पच्चीस बटा क्या हो गया? एक, तो पच्चीस बाई एक यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, पच्चीस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है? कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए आई स्क्वायर आर भी कह सकती है, भी आई शक्ति, भी स्क्वायर आर भी शक्ति है, लेकिन आर आई स्क्वायर शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, फिलामेंट का प्रतिरोध, देखिए यहाँ वोल्टता दिया है और धारा दिया है, तो प्रतिरोध आर इक्वल टू वी बाई आई होता है ना, वी बाई आई, तो 220 बटा क्या हो गया? 2, तो 110 हो गया, 110 एम्पीयर, यानी एक आई का मान हो गया 110 एम्पीयर, कौन होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक, याद रहे एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है, ये क्वेश्चन 12 पूछता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का। जूल प्रति कूलम्ब बराबर होता है, जूल बटा कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलम्ब जो है वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम्ब वोल्ट के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला, एक किलोवाट घंटा तुल्य है, तो एक किलोवाट घंटा बराबर होता है एक किलो किलोवाट घंटा, देखिए 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, एक किलो वाट घंटा बराबर। अगला, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे नहीं की जा सकती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे नहीं की जा सकती है? तो देखिए यहाँ वोल्ट मीटर से तो विभवांतर मापा जाता है, ए मीटर से धारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर मीटर से उपस्थित जानते हैं। तो देखिए यहाँ कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जा सक किससे नहीं की जा सकती है, ओ किससे नहीं की जा सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं करने वाला बात आती है, तो वोल्ट मीटर से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर से क्या विभवांतर को मापा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, ए मीटर तो क्या धारा का मात्रक ही है, धारा इसी से मापा जाता है। अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगला, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगला, किसी बल्ब में एक मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान बताइए। तो एक मिनट का मतलब होगा एक मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड। तो पूछता है धारा, धारा इक्वल टू क्या होगा? सी बटा
टी, तो 120 कूलम आवेश बटा क्या हो गया 60, 6 × 12 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर की धारा, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2 + 3 + 6, 6 × 5 = 11 ओम, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो चलिए गाइस, इस सेट का सभी प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।